आपने बताया इसको। ओके, तो जैसा अभी हमारा अर्लियर डिस्कशन हुआ था, हम आज का टॉपिक जो भी कवर कर रहे हैं वो गारमेंट के रिलेटेड में है। टॉपिक्स हमारे हैं रिटेल सेगमेंट के, रिटेल में हम कैसे मेंटेन करेंगे, सरल हमारा कहाँ तक यूजफुल है, उसमें हमने क्या क्या कवर करेंगे, होलसेल में गारमेंट हमारा कहाँ तक, हम सरल सॉफ्टवेयर हमको कहाँ तक हेल्प कर सकता है उसके लिए हम देखेंगे। उसके बाद में हमारा जॉब वर्क मॉड्यूल हम चेक करेंगे कि हम प्रोसेसिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसको प्रोसेसिंग करके कैसे देते हैं, उसका एक रिपोर्ट हम थोड़ा चेक करेंगे इसमें। सो बेसिकली जैसा ऑलरेडी जो न्यू यूजर्स है तो उनको बता दो, ये सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन है। ये स्क्रीन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ये 3D स्क्रीन हम इसको कहते हैं। स्क्रीन को आप आपके हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, जो अनवांटेड टैब्स है जो आपको बिजनेस में नहीं लगने वाला, एग्जांपल रिटेल शॉप में, तो रिटेल शॉप में ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो वाउचर फॉर्मेट के एंट्रीज होते हैं वो उनको यूज में नहीं आते हैं, तो उनको हम यहाँ से राइट क्लिक करके उस पर्टिकुलर टैब पे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा सर्च बॉक्स, सेम ऑप्शन इन फ्यूचर रिक्वायर्ड है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे सर्च करके ऐड किया तो स्क्रीन पे ऐड हो जाता है। इसको हम सरल में सिंपल लैंग्वेज में 3D स्क्रीन कहते हैं सर। स्क्रीन को आपके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। फाइन, अभी हम एक रिटेल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं सर। रिटेल में सबसे पहले ये होता है कि हमारा परचेस परचेस उसमें मल्टीपल साइजेस, रिटेल सेगमेंट में परचेस, सेल, उनका स्टॉक, फिर मोस्ट ऑफ चीजें जो भी सेल्स इनवॉइसेस बनाते हैं तो कैश में ही उनका पूरा डीलिंग हो जाता है, तो उनको ये क्रेडिट इतना मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट एट सम पॉइंट ऑफ वे कि जहाँ पे उनको क्रेडिट देना पड़ता है, तो उसके लिए भी ऑलरेडी हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है जहाँ पे वो क्रेडिट का पूरा मैनेजमेंट वो कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले एक परचेस के यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमने परचेस टैब पे क्लिक कर दिया, ये हमारा परचेस का एंट्री स्क्रीन। जिस वेंडर से हम मटेरियल क्रिएट परचेस कर रहे हैं यहाँ पे उनका ऑलरेडी नाम लिस्ट हो जाएगा। कुछ भी नया क्रिएट करना है तो शॉर्टकट की है F9, पूरे सरल सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट की है F9। कुछ भी नया क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया है उसको एडिट करना है तो F9 की यूज करना है आपको। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम वो पर्टिकुलर पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, एग्जाम्पल अरिहंत गारमेंट्स। फिर आया हुआ बिल नंबर क्या है अरिहंत गारमेंट्स का, तो हमने वो नाम या बिल नंबर जो भी स्पेसिफाई कर देना है, एंटर। यहाँ पे हमने क्या प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस किया, एग्जाम्पल हमने एक किड्स शर्ट हाफ स्लीव्स करके एक इन्वेंट्री क्रिएट किया हुआ है, हमने ये परचेस किया, हमने वो एंटर कर लिया। अब जैसे ही मैंने एंटर करा ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन मल्टी क्लासिफिकेशन डिटेल्स हमको यहाँ पे पूछता है। तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मल्टी क्लासिफिकेशन डिटेल कैसे पूछना चाहिए वो हम हैंडल करेंगे। यहाँ पे भी मुझे एक नया इन्वेंट्री क्रिएट करना है तो आइटम डिस्क्रिप्शन के यहाँ पे ही मैंने F9 बटन प्रेस कर दिया न्यू करके। यहाँ पे एक मैं प्रोडक्ट का नाम डाल दूँ, एग्जाम्पल किड्स जीन्स फुल साइज। इसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एचएसएन कोड है, वो कोड यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ग्रुप में क्या करना है किड्स का सिलेक्ट करना है, किड्स सेक्शन। तो जैसे आप किड्स करेंगे, हमने बैकएंड में क्या किया था कि जैसे ही मैं किड्स सेलेक्ट करूँ ऑटोमेटिक साइज और कलर उस पर्टिकुलर ग्रुप को असाइन हो जाना चाहिए, तो हमने ये मल्टी क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिक उसको असाइन हो जाएगा। यूनिट्स में ये हमारा नंबर्स में है, GST इस पे 5%। गारमेंट और फुटवेयर इंडस्ट्री में जैसे ही आपका वैल्यू 999 के ऊपर जाता है तो 12% कैलकुलेट होना चाहिए, तो वो सेव सेटअप हमने कर लिया यहाँ पे और हमने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा अपडेट मतलब इन्वेंट्री क्रिएट। एस्केप की प्रेस करके मैं बाहर आ गया, मैंने यहाँ पे जीन्स ऐसा टाइप किया तो इन्वेंट्री आपको दिखाई देगा, एंटर। अब आपको ये अगेन डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया कि साइज मेरे 28, उसमें ब्लू कलर और ये आपका बार कोड, एंटर। अब इस प्रोडक्ट का सेलिंग रेट MRP मेरी 1299, ये मुझे बेचना है 1299 में ही, मैंने ओके कर दिया। कितना क्वांटिटी मैंने इस पर्टिकुलर साइज और बैच का परचेस किया, एग्जांपल 200 पीस। अगेन मेरा 28 साइज ही है बट कलर हमारा ग्रे है, हमने ग्रे का क्लासिफिकेशन क्रिएट किया, इस ग्रे का पूरा बार कोड नंबर अलग। अब इसका सेलिंग रेट अलग है, 1199 1199 ओके। इसमें हमने 300 पीस परचेस किया और ओके। अभी दोनों के लिए हमारा अगर परचेस रेट सेम है तो हमको बेसिक रेट में डालना है, और एल्स नहीं तो जब आप ये बैच क्रिएट करते हो तो एक बार में एक ही साइज लेना है आपको, अगर आपका परचेस रेट डिफरेंट है।
यहाँ पे हमारा परचेस रेट क्या था हमने वो डिफाइन कर देना है और सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने सेव किया आपका परचेस एंट्री डन। परचेस एंट्री अभी रिटर्न में क्या होता है, जैसे मैं परचेस कर लूँ ऑटोमेटिक मुझे वहाँ पे बारकोड प्रिंट का ऑप्शन आना चाहिए, तो मैंने प्रिंट बारकोड कमांड पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने प्रिंट कमांड पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक वो 500 बारकोड्स का पूरा स्टिकर शीट ही जनरेट हो जाएगा सर। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा क्या क्या इसमें कंटेंट है। उसका डिजाइन नंबर, साइज, ये फील्ड कुछ असाइन नहीं है इसीलिए प्रॉपर नहीं आया। आपका बारकोड नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, आप जो भी डिजाइन चाहिए आप उसको बता सकते हैं। आप बता दिया तो वैसा बारकोड स्टिकर हम डिजाइन करके आपको दे देंगे। ये हमारा बारकोड जनरेट हो गया, हमने प्रोडक्ट पे स्टिक कर दिया, एवरीथिंग डन। परचेस किया तो हमारा स्टॉक रिपोर्ट जनरेट होना चाहिए। यस विजय सर बताइए। हाँ नहीं, किड्स फुल, जीन्स फुल, जो भी प्रोडक्ट है ये एंटर करके मेरे क्वांटिटी का ऑप्शन आया, तो मेरे इसमें अलग अलग साइजेस है, मेरा परचेस रेट एक ही है। इसीलिए अगर मेरा परचेस रेट डिफरेंट है तो अगेन आपको वो प्रोडक्ट फिर से इधर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब कि एक में अलाउ नहीं करेगा, इसी उसको हम अनेबल किया तो ऑप्शन आपको अलाउ कर देगा। सर क्यूए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन थोड़ा इसके बाद में रखा हुआ है तो हम इसको एड्रेस कर लेते बाद में। फाइन, तो हमने इसको सेव बटन पे क्लिक कर दिया। परचेस इनवॉइस में जाके प्रिंट बारकोड का कमांड दिया तो हमारा 500 स्टिकर जो भी क्वांटिटी बारकोड उसका जनरेट होके आ जाएगा। अभी हमने बारकोड रिसीव कर लिया तो इन्वेंटरी में जाके यहाँ पे हमारा व्यूज में एक हमको रिपोर्ट मिल जाएगा, स्टॉक इन्फॉर्मेशन में मल्टी क्लासिफिकेशन व्यू। यहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा आपको चाहिए तो हम उस पर्टिकुलर इन्वेंटरी का भी सर्च कर सकते हैं, या हमको सिर्फ ये ग्रुप वाइज, अगर सिर्फ हमको किड्स सेक्शन का चाहिए तो आप किड्स यहाँ पे सेलेक्ट किया तो सिर्फ किड्स का इन्वेंटरी आपके सामने लिस्ट हो जाएगा। ये हमारा रिपोर्ट जनरेट हो गया जहाँ पे किड्स जीन्स, उसका आपका एमआरपी क्या है, उसका बारकोड नंबर क्या है, साइज, कलर, इनवर्ड कितना किया, आउटवर्ड कितना किया। यहाँ पे शो ऑप्शंस में आप क्लोजिंग बैलेंस को भी टिक किया तो उस क्लोजिंग बैलेंस भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। यही सेम रिपोर्ट हमको अगर एक्सेल में चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सेल रिपोर्ट अगर आपने क्लिक कर दिया तो रिपोर्ट आपकी एक्सेल में जनरेट हो जाएगी सर। एक मिनट आप वेट करेंगे और रिपोर्ट ओपन होने का। यस, तो हमारा ये रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। कोई रिपोर्ट चाहे तो आप इधर ऐसा रिपोर्ट में देख सकते हैं। सर ये थोड़ा हम इसको क्यू एंड ए सेशन में रखेंगे सर तो क्लियर हो जाएगा सर। ओके सर, एक्सप्लेन करता हूँ। श्योर, ओके। फेयर इनफ सर, तो सबसे पहले मल्टी क्लासिफिकेशन ऑप्शन अनेबल कैसे करना हम वो देखेंगे। इधर इन्वेंटरी में इन्वेंटरी सेटिंग, यहाँ पे मल्टी क्लासिफिकेशन करके ऑप्शन है। सबसे फर्स्ट इधर ऑप्शन है अनेबल मल्टी क्लासिफिकेशन, वो आप टिक किया तो ये फील्ड्स अनेबल हो जाएगा। उसी के नीचे ऑप्शन है अनेबल बारकोड फॉर ईच क्लासिफिकेशन, आप उसको टिक कर दीजिए। फिर अनेबल ऑटो बारकोड फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन में अगर बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे कुछ फील्ड्स डाल दिया है तो ऑटोमेटिक वो फील्ड्स यहाँ से कैप्चर करके उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में बारकोड आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमको कितना फील्ड्स चाहिए उतना फील्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, साइज, कलर, शेड, पैटर्न, वेयर, सीजन, फैब्रिक टाइप या और भी कुछ इसमें डिजाइन नंबर, पैटर्न नंबर क्या चाहिए आप इधर ऐड कर सकते हो। फिर जैसे ही आप वो पर्टिकुलर इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे जिस इन्वेंट्री में आपको मल्टी क्लासिफिकेशन चाहिए वो मल्टी क्लासिफिकेशन आप वहां पे इन्वेंट्री क्रिएट कीजिए।
अभी मैं एक नया इन्वेंटरी क्रिएट कर लेता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो मैंने यहाँ पे ले लिया शर्ट, फुल स्लीव्स, पैंट्स, एंटर। इसका जो एचएसएन कोड हमने सेलेक्ट किया वो अब ये ग्रुप में हमारा मेंस में आ जाएगा। एंटर। जब ये मेंस हमने यहाँ सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक मल्टी क्लासिफिकेशन का हाईलाइट हो गया। यहाँ पे हम एक और भी कुछ कर लेते हैं, टेस्ट ग्रुप। अब ये टेस्ट ग्रुप जब भी मैं सिलेक्ट करूँ तो उसमें क्या आना चाहिए, साइज आना चाहिए, मुझे इसमें कलर नहीं चाहिए, मुझे इसमें वियर आना चाहिए और एक इसका सीजन आना चाहिए। तो ये हमने डाल दिया। तो मैंने जैसे ही मेंस करा वो हो गया इन्फॉर्मेशन, नंबर, बाकी सभी सेटिंग सेम 5%। एक बार मैं रेफरेंस के लिए खाली देख लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। सेव। फिर जब भी इस पर्टिकुलर मटेरियल को मैं परचेस करूंगा, यहाँ पे मुझे खाली मेरा वेंडर का नाम सेलेक्ट करना है, एंटर। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डाला था मेन शर्ट, फुल स्लीव्स, फिर वो इन्फॉर्मेशन जो हमने बैकएंड में सेलेक्ट किया था, साइज, वियर हमारा एक मेंस है, फिर सीजन हमारा ऑल सीजन है, या कुछ आपका कैजुअल या नॉर्मली कुछ भी ओकेजन रहेगा, फेस्टिवल सीजन, तो आप उधर डाल सकते हैं। यस, तो ऑटोमेटिक जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे खाली वो बारकोड नंबर अपने आप, फिर वो उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का रेट डिटेल पूछ लेगा आपको। यहाँ पे रेट डिटेल क्या होना चाहिए, मैंने बताया इसको 1499। अब ये चीज मुझे सेल कितने में करनी है, 1499 में ही करना है। कभी कभी होता है कि एमआरपी मेरा कुछ अलग है बट मुझे सेल कुछ अलग रेट पे करना है, तो रेट भी हम फिक्स कर सकते हैं, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फॉर्मेट के लिए प्राइस ग्रुप करके एक ऑप्शन है। जहाँ पे जैसे वो ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो पर्टिकुलर ग्रुप आपने क्रिएट किया उसमें जो डिस्काउंट परसेंट डाला है वो सभी आइटम्स के लिए एक हो जाएगा। तो वैसे भी आप डिस्काउंट स्ट्रक्चर भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी कितना हुआ हमने डाल के इसको ओके कर दिया, और सेव। स्पेसिफाई रेट, हमने परचेस रेट स्पेसिफाई यहाँ पे कर देना है 1000 रुपये, एंड सेव। यू कैन सेम स्ट्रक्चर, परचेस इनवॉइस, प्रिंट बार कोड, और प्रिंट कमांड पे क्लिक किया, आपका बार कोड यहाँ पे जनरेट हो गया। फिर इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, हमने स्टॉक लिस्ट जैसे ऑलरेडी चेक किया था इसको अभी हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने शर्ट इन्वेंटरी सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ये आपका इन्वेंटरी का प्रोडक्ट का रिपोर्ट आ जाता है। फिर जब भी हम इस पर्टिकुलर इनवॉइस को सेल करते हैं, बाहर गया, सेल्स इनवॉइस में आ गया, यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक होता है वॉक इन कस्टमर, वॉक इन कस्टमर को अगर आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए कुछ मैसेजेस भेजने हैं तो वॉक इन कस्टमर आप अनेबल करो, और एल्स वॉक इन अनेबल कस्टमर आप यू अनेबल मत कीजिए, डायरेक्टली उनका क्या नाम है वो टाइप करना है। अगर आपने वॉक इन कस्टमर मास्टर सेटिंग में से अनेबल किया हुआ है, यहाँ पे अनेबल वॉक इन कस्टमर करके ऑप्शन है, अगर यहाँ पे आपने वो सेटिंग को अनेबल किया हुआ है तो आपको F9 बटन प्रेस करके यहाँ पे वॉक इन कस्टमर का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अक्षय, उनका जो मोबाइल नंबर है वो नंबर डाल देता हूँ, और सेव। अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैं कोई नया नंबर ले लेता हूँ, और सेव। अभी इस अक्षय का मुझे अगर कुछ एनिवर्सरी मैसेज या डेट ऑफ बर्थ ऐसा कुछ रिमाइंडिंग करना है तो मैं डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर आपको एनिवर्सरी चाहिए तो एनिवर्सरी का भी डेट आप इधर डेट ऑफ बर्थ के जगह पे रिप्लेस करके वो डाल सकते हो। इनका कुछ पर्सनल जीएसटी नंबर है, कभी कभी रिटेल कस्टमर बोलते हैं मुझे जीएसटी बिल चाहिए और ये मेरा जीएसटी नंबर है, तो आप उनका जीएसटी नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। सिस्टम जनरेटेड इनवॉइसेस, उनको मेल में जाना चाहिए तो आप इसको ईमेल में यहाँ पे डाल देंगे तो ईमेल में भी आप इनवॉइस को भेज सकते हो। मैंने बाहर आ गया, यहाँ पे कस्टमर का नाम, और जो आपका बारकोड आपने प्रोडक्ट पे स्टिक किया है वो खाली इधर आपको स्कैन करना है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने डाला यहाँ पे आ गया, जैसे आप सेव करेंगे ये अमाउंट रिसीव का पूछेगा,
आपने इधर पे कैसा रिसीव्ड होना? अभी मुझे यहाँ पे एक ऑनलाइन का भी ऑप्शन चाहिए, तो मैं खाली उसको ऑनलाइन को अनेबल कर लेता हूँ। वो अनेबल करने के लिए इन्वेंट्री इन्वेंट्री सेटिंग में गया मैं, यहाँ पे एक एडिट कैप्शन करके ऑप्शन मिलेगा, सॉरी पेमेंट हेड्स करके ऑप्शन है, एडिट कैप्शन में जाके कूपन को रिप्लेस करके हम करेंगे ऑनलाइन पेमेंट। वो पेमेंट हमारे अगर मल्टीपल बैंक है तो हमारा कौन सा बैंक को रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो बैंक का लेजर भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट में 29,2798 पेमेंट हुआ है, उन्होंने कितना अमाउंट किया उतना अमाउंट डाल सकते हो। अगर कोई आधा कैश में कर रहा है, आधा आपका पार्ट पेमेंट है, तो आप वो भी एडजस्ट करते हो, 1,000 रुपीज कैश, बाकी आपका 1,798 रिमेनिंग आपको चेक ऑनलाइन पेमेंट किया तो वो डाल के सेव। ये एंट्री हमारा डन। फिर जैसे वो एंट्री डन, सिस्टम जनरेटेड व्हाट्सएप अगर आपने एनेबल किया हुआ है तो कस्टमर को बिल उनके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। यहाँ पे सेल्स इनवॉइस, हमारा बिल का फॉर्मेट कैसा दिखाई देगा वो हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, हमको जैसा फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डिजाइन कर सकते हो। इसको प्रीव्यू कर देते हैं। ये हमारा बिल का लेआउट, इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन कैसे चाहिए वो हम डिजाइन कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर कल को हम लॉयल्टी पॉइंट्स रख रहे हैं तो लॉयल्टी पॉइंट्स सभी क्या